हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो फ़ोन है तो ओप्पो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में वाईफाई नेटवर्क है तो वाईफाई नेटवर्क को आप कैसे ओप्पो फ़ोन की ऑप्शन को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं वाईफाई ऑप्शन को ओप्पो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो वाईफाई ऑप्शन है तो वाईफाई ऑप्शन को ऑन ऑफ कैसे करेंगे, सिंपल सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है वाईफाई ऑप्शन। तो यहाँ पर वाईफाई हमने लिख दिया तो वाईफाई का जो सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो वाईफाई हमारा शो हो रहा है तो वाईफाई को ऑन ऑफ कैसे करेंगे, सिंपल इस तरीके से क्लिक कर दें तो वाईफाई ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही वाईफाई की जो और सेटिंग्स है हमारे फ़ोन में, असिस्टेंट सेटिंग्स या नेटवर्क से हमारे फ़ोन में, इसका आप यूज़ कर सकते हैं वाईफाई को ऑन करके। और ऑफ़ कर देंगे तो जो भी ये हमारे ऑप्शन है सारे हमारे फ़ोन से हट जाएंगे, जितने कि हट चुके हैं और शो भी नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से वाईफाई को आप ऑन ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं। लावा फ़ोन ओप्पो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर, और आपको ऑप्शन नहीं मिलता है कब फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी वाईफाई ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन। वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो वाईफाई की सेटिंग्स इस तरीके से ओपन हो जाती है। तो वाईफाई को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो वाईफाई हमारा इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो वाईफाई का आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी नेटवर्क को आप कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं। और जैसे देख सकते हैं, जैसे हमने वाईफाई इसको ऐसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और कनेक्ट करते हैं आप इसमें इंटरनेट यूट्यूब भी चला पाएंगे। और ऑफ़ कर देंगे तो हमारे फ़ोन से डिसकनेक्ट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से वाईफाई ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने ओप्पो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।